स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे स्पेसएक्स बीएफआर के बारे में, बिग फाल्कन रॉकेट। तो आइए देखते हैं, तो आइडिया क्या है, मतलब बीएफआर बनाने का आइडिया क्या है। आइडिया वेरी सिंपल है इनके लिए, इनको फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी हटा देना है। इनको दो तीन रॉकेट के जगह पे सिर्फ एक बड़ा रॉकेट चाहिए जो सब काम कर सके। ये एक सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि इसकी कैपेसिटी कितने टन ये लो अर्थ ऑर्बिट में डाल सकता है, ये बहुत ज़्यादा है। 150 टन है, जो कि सैटर्न फाइव जो कि मून रॉकेट था उससे भी ज़्यादा है, और ये 100% रीयूजेबल है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि इसके फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों को रिकवर किया जाएगा। फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी में सेकेंड स्टेज को रिकवर नहीं किया जा सकता है, मतलब ट्राई की जा रही, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डिज़ाइन नहीं किया गया था वैसे। इसको स्टार्टिंग से डिज़ाइन किया जा रहा है फुल रीयूजेबिलिटी के लिए। तो ये है इनका आइडिया। तो इनका कॉस्ट और डिज़ाइन के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ डिटेल। तो ये लोग दो स्टेज रॉकेट बना रहे हैं, जनरली बहुत हैवी लिफ्ट के लिए रॉकेट बनाए ही नहीं गए हैं, और सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट भी बनाया जा सकता है, जैसे कि स्पेस शटल सिंगल स्टेज था, सॉलिड बूस्टर वो हटा देता था, लेकिन एक ही स्टेज, मतलब जो इंजन उसका ग्राउंड लेवल पे चल रहा है वही इंजन स्पेस तक ले जाता था, तो वो सिंगल स्टेज था। ये डुअल स्टेज बना रहे हैं जो कि नॉर्मल फाल्कन 9 जैसा ही है, और ये स्पेस रिफ्यूलिंग करेंगे। ये बड़ा इनका यूनिक खासियत है कि ये एक शिप जाएगा ऑर्बिट में, दूसरा शिप को दोबारा भेजा जाएगा, वो पलट के इसे मेट करेगा पीछे से पीछे में, जो आप देख सकते हैं, और इन पाइपों के द्वारा, जो आप देख सकते हैं, इस पाइपों के द्वारा ये फ्यूल ट्रांसफ़र करेगा, और या तो ये पंप से करेंगे या मतलब थोड़ा सा थ्रस्ट दे देंगे कि मतलब फ्यूल उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे, मतलब एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, सो एक्शन देंगे इधर तो फ्यूल उधर जाने लग जाएगा। तो उस इसका इस्तेमाल करके ये फ्यूल ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये फुल्ली फ्यूल हालत में लो अर्थ ऑर्बिट पर रहे। अगर ये वैसा करते हैं तो ये उसी रॉकेट से मार्स पे जा सकते हैं बिना दिक्कत के, और अगर पूरी तरह से फ्यूल करके ये मून पे गए तो मून से काफ़ी हैवी पेलोड लेके आ सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने काफ़ी 1-2 टन मून रॉक लाना है या 10-20 टन तक का मटेरियल लाना है वापस, तो ये कर सकेगा। और इसमें लोअर स्टेज जो कि मतलब इनका बूस्ट स्टेज है, उसमें 31 सी लेवल के रैप्टर इंजन लगाने की बात की जाए, लेकिन ये डिज़ाइन चेंज हो चुका है, पहले ही एक बार चेंज हुआ या दोबारा चेंज हुआ है तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, डिज़ाइन चेंज होता रहता है। और 3 से 4 सी लेवल इंजन रहेगा और 4 वैक्यूम इंजन। तो 4 वैक्यूम इंजन आप देख सकते हैं इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा जो कि स्पेस में चलेगा, लेकिन जब इसी को लैंडिंग करनी है तो लैंडिंग के दरमियान चूंकि ये एटमोसफेयर से जा रहा है तो इसको सी लेवल वाला इंजन चाहिए। तो आइडिया बस ये है कि एक सिंपल डिज़ाइन लिया, दो स्टेज का रॉकेट है जिसको स्पेस में रिफ्यूल किया जा सकता है, जो फुली तरह से रीयूजेबल है, और एक रॉकेट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये एटलीस्ट 20 से 30 हैवी सैटेलाइट लॉन्च एक साथ कर लेगा। तो वन रॉकेट टू रूल देम ऑल, इनका ये सिंपल आइडिया है भैया, एक रॉकेट बनाओ और काम खत्म। और इसको आप बोलोगे ठीक है इतना बड़ा रॉकेट बना तो लिए, और आपको पता है कि लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहाँ है और बना कहाँ रहे, तो ले कैसे जाएंगे, मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी पार्ट्स हैं ले कैसे जाएंगे। ये ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे सी लाइन का, बेसिकली वाटर के ऊपर ले जाएंगे। और मैंने इनको आपको पहले ही बताया था नासा के बारे में वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है, कि नासा का दाम रॉकेट का बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि कई जगह पे कई सारे पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये लोग एक फैक्ट्री में दो पार्ट्स बना रहे हैं, दो पार्ट्स को पूरा पूरा भेज सकते हैं या काट काट के, जैसे भी इनको कन्वीनियंट लगेगा। तो इसलिए इनका दाम बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि इन्होंने वो स्ट्रीमलाइन कर लिया है प्रोसेस को। तो अब इनके इंजन के बारे में, जो कि नया चीज़ है, तो आप ये समझिए फाल्कन 9 का इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और किरोसिन यूज़ करता है, ये लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन यूज़ करता है। नाउ मीथेन यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि इसका पंप रेट ऑलमोस्ट इस किरोसिन जैसा होगा, और आप ये समझिए हाइड्रोकार्बन में जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना पावरफुल हो जाएगा, लेकिन इफ़िशेंसी कम होते जाएगी। जैसे कि कोल में बहुत पावर है लेकिन इफ़िशेंट कम है, किरोसिन में बहुत ज़्यादा कार्बन है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि भैया इफ़िशेंसी नहीं है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करोगे बहुत इफ़िशेंट है लेकिन पावर नहीं है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का बैलेंस मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए RP1 या लिक्विड हाइड्रोजन जनरली प्रेफर किया जाता है, या एक लो या दूसरा, ये बीच का एक सोल्यूशन है कि ना लिक्विड हाइड्रोजन जितना इफिशियंट होगा लेकिन लेकिन किरोसिन से ज़्यादा इफिशियंट होगा, लेकिन पावर उतनी ज़्यादा नहीं देगा। तो एक बैलेंस ये लोग खोज रहे हैं मीथेन का इस्तेमाल करके। आप यहाँ पे देख रहे हैं मिक्सचर रेशियो, मैंने बताया कि मिक्सचर रेशियो 3:8 है। तो बेसिकली ये लोग कभी भी फ्यूल को जनरली 100% बर्न नहीं करते, क्योंकि इससे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, प्लस आपको हॉट कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको हॉट हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब आप हॉट वाटर वेपर छोड़ रहे हो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो हॉट वाटर वेपर निकालने के लिए ये लोग जनरली ज़्यादा फ्यूल डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन कम डाली जा रही है, परफेक्ट वन टू वन में नहीं बर्न करते हैं। और ये फुल स्टेज कम्बशन है, जो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था आप लोगों को कि प्री बर्नर जो बन रहा है उससे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है जो कि कम्प्लीटली बर्न नहीं है, उसको सीधे बस ये लोग छोड़ दे रहे हैं बाहर जब, और इसको अंदर डालने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये इसमें वो कर रहे हैं, और इसमें दो प्री बर्नर है, एक में जिसमें ऑक्सीजन खूब डाल के जलाया जा रहा है, एक में जिसमें खूब मीथेन डाल के जलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग दो पंप यूज़ करेंगे, दो अलग अलग। और आप यहाँ ये डिज़ाइन में रफली देख सकते हैं कि दो प्री बर्नर है, दो एक में मतलब फ्यूल रिच जलाया जा रहा है, एक में ऑक्सीजन रिच चलाया जा रहा है। और इसका करने से फ़ायदा ये है कि दोनों को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, और इनका टर्बो पंप में कभी भी लीकेज होने का साइड इफेक्ट नहीं है, और ये हाईएस्ट इफिशेंसी डिज़ाइन पॉसिबल है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये बहुत महंगा होता है, अभी तक किसी ने बना के पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है। इसका एक स्टेप बिलो स्पेस शटल में यूज़ किया गया था, काफ़ी इफिशियंट था लेकिन महंगा बहुत होता है। तो देखना पड़ेगा आगे ये लोग कैसे करते हैं। तो इनके प्रैक्टिकलिटी के बारे में हम समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब आपने बनाने का सोचा है, अभी तो प्रैक्टिकली बनाया नहीं है, तो क्या करेंगे। तो आइडिया बहुत सिंपल है, दो स्टेज बनाना इनके लिए काफ़ी आसान है, दो स्टेज है प्लस रिफ्यूलिंग होगा ऑर्बिट पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट और डिले जो होगा इनका, ये इलॉन टाइम में तो होने वाला नहीं है, इलॉन जी तो 220 में ही चले जाते, 220 बोल रहा हूँ 2020 में ही मास पहुँच जाते, लेकिन वो इलॉन टाइम में आप समझ लीजिए उसको दुगना कर दीजिए तब शायद पहुँच जाए। और कॉस्ट भी इलॉन कॉस्ट है $500 मिलियन का, जो कि बोल रहे हैं उसको दुगना कर दीजिए, लेकिन ये नॉर्मल बात है, रॉकेट्स जनरली बहुत महंगे हो जाते हैं इस चक्कर में। लेकिन मुझे डाउट है कि ये लोग मार्स मिशन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने रिसेंटली नासा का पूरा पोर्टफोलियो देखा है, उसमें 2030 तक लगभग मार्स के पे जाने का हिसाब ही नहीं है। नासा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी जो चल रहा है वो है SLS का कंप्लीशन। SLS कंप्लीट करने के बाद जो उनका अपना लॉन्च सिस्टम जो रीयूजेबल नहीं है, वो यूज़ एंड थ्रो है, तो वो यूज़ करने के बाद ये लोग सिंपली ये करेंगे कि मून पे जाके मून पे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा चीज़ बनाया जाएगा, जिसे ये लोग कह रहे हैं डीप स्पेस गेटवे। और ये इनका लंबा प्रोजेक्ट है, मतलब कई साल चलने वाला है, कई दशक तक चलने वाला है। तो आप बोलोगे वहाँ पे क्यों बना रहे हैं, इसी को क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते वहाँ, तो जो ISS है, ISS को ट्रांसफ़र इसलिए नहीं कर सकते, ISS में रेडिएशन शील्डिंग नहीं है, ISS अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसलिए उसमें रेडिएशन उतना नहीं आता। ISS हम लोग को ये सिखा दिया कि लो ग्रेविटी कैसे इंसान का जान लेता है, लेकिन अब ये सीखना पड़ेगा कि लो ग्रेविटी प्लस रेडिएशन कैसे जान लेगा, तो उसके लिए आपको वहाँ पे ही जाके पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे रेडिएशन और लो ग्रेविटी हो। तो इसलिए डीप स्पेस बनाया जा रहा है। इनको ये भी सीखने को मिलेगा कि इनके रेडिएशन शील्डिंग कितनी इफेक्टिव है, मतलब ये लोग सोच लिए कि इतना में हो जाएगा, क्या वो कम पड़ रहा है, क्या वो ज़्यादा पड़ रहा है, सोलर फ्लेयर के दरमियान ये लोग क्या करेंगे। तो अभी नासा का तो कुछ है ही नहीं, मतलब आने वाले 10 साल तक तो कुछ है ही नहीं कि वो मार्स पे सोच रहे हैं, तो हमको तो ये बहुत डाउट लग रहा है। लेकिन एक मिशन तो हो जाएगा, क्योंकि इनको डेमो करना पड़ेगा, अगर ये चाहते हैं कि इनका रॉकेट कोई खरीदे तो इनको डेमो करना पड़ेगा, तो एक मिशन तो हो ही जाएगा। दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम मार्स पे जाके मार्स पे प्रोपेलेंट बनाएंगे, मतलब मार्स पे ये लोग मीथेन और ऑक्सीजन निकालेंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? केमिस्ट्री में आराम से किया जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं वाटर लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, और आपको हाइड्रोजन मीथेन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ, 2H2O प्लस CO2 इक्वल्स 2O2 प्लस CH4। तो केमिस्ट्री में ये हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई किया नहीं आज तक, आराम से किया जाता है, बट एनर्जी ये ज़्यादा लेता है इसलिए हम लोग नहीं करते। और वहाँ पे मार्स पे करने का आइडिया ये है इनका कि मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड है और मार्स में वाटर है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये लोग कह रहे हैं मार्स के एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बात सही है, सही है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, आप उसको नॉर्मल पंखे से नहीं खींच पाइएगा, आपको टर्बो पंप्स चाहिए होंगे जो भी ऑलमोस्ट वैक्यूम के लेवल तक काम कर सके, जो कि बहुत एनर्जी खाएगा। दूसरा, पानी ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को एग्जैक्टली पता है कि अरे 5 फीट खोदेंगे पानी निकल आएगा, वो मार्स है, मार्स में पानी मतलब नहीं पता है कहाँ पे, हम लोग को ट्रायल एंड एरर्स करना पड़ेगा। और जो आप लोग आइस कैप देख रहे हैं वो CO2 की आइस कैप है, वाटर आइस नहीं है, वो उसके अंदर वाटर आइस है, तो कैसे जाएंगे, कितने गैप, मतलब सैटेलाइट्स आपको एक रफ आइडिया दे सकते हैं, एकदम गारंटी नहीं दे सकता कि मतलब यहाँ जाओ यहाँ ड्रिल करो, मतलब आपको 4-5 ड्रिलिंग के बाद शायद मिले। तो ये सबको ऐसे इग्नोर कर देना कि अरे तो मतलब रखा हुआ है, मतलब ये तो वहाँ जाएंगे नदी में पाइप डालेंगे खींच लेंगे, हवा में पाइप डालेंगे CO2 खींच लेंगे, मतलब यार क्या क्या कुछ भी मतलब इतना आसान नहीं है। और इसको एनर्जी इतनी चाहिए होती है कि इनको न्यूक्लियर रिएक्टर के सिवा और कोई चीज़ से तो काम चलेगा नहीं। तो आप बोलोगे नहीं नासा तो बिना न्यूक्लियर रिएक्टर के चल रहा है, नहीं, नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसमें सीधे थर्मोलेस
थर्मोल बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो डीके कर रहा है, उसकी रेडिएशन से ये लोग चला रहे हैं। और इनको पता है कि मैंड मिशन के लिए सोलर पैनल सिंपली काम नहीं करेंगे क्योंकि सन बहुत डार्क हो जाता है उतने डिस्टेंस पे, मतलब आप स्पेस में भी रहो तो भी वो कम ही पावर देगा। मतलब जो सोलर पैनल आपके अर्थ पे करीब 100 वाट दे रहा है, वो सोलर पैनल मार्स पे आपको बेयरली 60 देगा, बेयरली। तो आप ये समझिए कि उनको पता है कि सोलर पावर नहीं काम करेगा, तो उन्होंने खुद ही न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए छोटे छोटे, जो कि 1 से 10 किलोवाट के हैं और स्टर्लिन इंजन पर चलते हैं, जिस पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसके ये भावनाओं में बह जाने का आदत मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब कुछ भी बस बोले जा रहे हैं कि मतलब हम पहला 2 लॉन्च करेंगे जिससे यहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ पे जा रहे हो वहीं का इस्तेमाल करके फ्यूल बना लेंगे। मतलब ऐसा इतना आसान चीज़ नहीं है कि आप वहाँ गए बस हो गया, मतलब रखा हुआ है ना आपको, मतलब सीधे ही बोलो पेट्रोल पंप में जाके फ्यूल कर लेंगे, मतलब थोड़ा तो कंट्रोल करो। फिर आते हैं इसके कचरे के बारे में, ये इलॉन मस्क हैं तो बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, ये अर्थ टू अर्थ करेंगे। मतलब ये मैं इमेज दिखाना चाह रहा हूँ कि फ्लेम थ्रोअर से भी आप सिगरेट जला सकते हैं, लेकिन क्या आप फ्लेम थ्रोअर से जलाना चाहेंगे? आप लाइटर यूज़ करोगे ना, मतलब जो औजार जिस चीज़ के लिए बनाए, जो रॉकेट बनाया गया है दूसरे प्लैनेट पे जाने के लिए, उसको उसके लिए यूज़ करो ना, फालतू का क्यों खर्च कर रहे हो उसको यहाँ पे। और इनके तो ट्वीट में भी लिख दिया कि अरे ये प्लेन जितना सस्ता होगा, क्या चूतिया बना रहे हो यार, सुतुट के चूतिया बना रहे हो। मतलब क्या आपको बस अपने से आप चेक कीजिए कि जेट फ्यूल का क्या कॉस्ट है पर लीटर, प्लस लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड मीथेन का क्या कॉस्ट है, और उसके बाद अगर आपको कॉस्ट में लग रहा है ना यार थोड़ा सा ही महंगा है, थोड़ा सा ठीक है, आप ये बस देखिएगा कि इसमें कितने टन जाते हैं, कई 100 टन जाते हैं। आप बस अपने से खोजिए, हम नहीं बताएंगे, आप अपने से खोजिए ताकि आपके मन की शांति खुद मिल जाए। और फ्लाइट जो होगा इसका, जो ये बोल रहे हैं 30 मिनट पे कहीं से कहीं चले जाएंगे, हमारे टेक गुरुजी तो मान भी लिए कि वो ICBM की ट्रजेक्ट्री है, ICBM उसे बैलिस्टिक ट्रजेक्ट्री का ऑर्बिटल ट्रजेक्ट्री नहीं है, वो बैलिस्टिक ट्रजेक्ट्री है, मतलब फायर करोगे वो गिर जाएगा, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, हम लोग के ICBM यही करते हैं, लेकिन ICBM को स्लो नहीं होना रहता है। अगर आप ये इंसान के साथ करोगे तो जी फोर्स जो लगेगा वो बहुत दर्दनाक होगा। मतलब आप लोग बोलते हैं प्लेन उड़ने टाइम जी फोर्स लगता है, वो प्लेन में थोड़ी देर के लिए जी फोर्स लगता है, बेयरली 2G या 3G बेयरली टच करता है, ये 3G कंटिन्यूस रख सकता है और कई मिनट तक रख सकता है, मतलब सेकंड में नहीं है कि एक झटका लगा ठीक है। और 3G दर्दनाक होता है, मतलब एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है हाई जी फोर्स हैंडल करने के लिए, और मिलिट्री फाइटर पायलट्स तो मतलब उनको 5 to 6G हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये आसान नहीं है कि मतलब कोई भी बैठ गया, मतलब बच्चे लोग तो लिटरली खतरा है कि बच्चे लोग पास आउट कर सकते हैं, और बहुत देर के लिए अगर मान लीजिए ऑक्सीजन उनका नहीं जा रहा है, मतलब उनका हार्ट नहीं पंप कर पा रहा है उनके ब्रेन में, तो खतरनाक चीज़ है। मतलब आसान नहीं है रॉकेट पे किसी को इधर से उधर ले जाना, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं और लोग मान ले रहे हैं, मतलब यार कुछ तो मतलब सोचो। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं किया जा सकता, बस खरबों रुपया लगेगा, बहुत पैसा है टाइम बर्बाद करने के लिए तो करो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन SpaceX के BFR के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, वैसे अगर हुआ है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट लिखिए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना मत भूलिएगा, काहे कि हर दिन हम वीडियो बनाते हैं, और हमेशा के लिए देखने के लिए धन्यवाद।